समझ में आया कि आपने बालवीर को परीलोक में रहने की इजाजत क्यों दी। बालवीर वही बच्चा है जिसे आप भयंकर परी से बचाने गई थी। हाँ, और इसलिए आपने ये आदेश दिया था कि बालवीर के आसपास हमेशा सुरक्षा चक्र होना चाहिए। अब वक्त आ गया है बालपरी कि बालवीर ने जिस काम के लिए जन्म लिया है वो काम वो शुरू करे। तुमने उसके हाथ पे वो निशान देखा है? वो निशान एक दिव्य संकेत है कि बालवीर एक असाधारण बालक है। एक ऐसा असाधारण बालक जिसमें सृजन और संहार दोनों शक्ति ग्रहण करने की क्षमता है। उसकी नियति में सिर्फ दो ही विकल्प लिखे हैं विधाता ने। एक तो ये कि वो परियों की शक्ति ग्रहण करके पृथ्वी लोक पहुंचे और पृथ्वी लोक के बच्चों को दुख अन्याय और तकलीफ से बचाए और भयंकर परी के साथ लड़कर उसे हराए, या फिर भयंकर परी के साथ मिलकर पृथ्वी लोक के बच्चों को भयंकर परी के वश में करके पृथ्वी पे भयंकर परी का राज स्थापित कर दे। आप मजाक कर रही हैं ना बालपरी? ये एक कड़वा सत्य है जिसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। स्वीकार करना पड़ेगा? कैसे स्वीकार कर लूं रानी माँ? वो तो अपने पलंग से भी गिर जाता है तो रोने लगता है। इतना मासूम सा प्यारा सा बालवीर भयंकर परी के साथ? नहीं नहीं नहीं, अभी अभी दो दिन पहले ही वो डूबा डूबा के साथ बाग में खेल रहा था। माँ, बालवीर क्या हुआ? पतंगा, मुझे पतंगे से बहुत डर लगता है माँ। अरे बालवीर रो नहीं, कुछ नहीं होगा। सोचिए रानी परी, जो बच्चा एक पतंगे से डर जाता है वो भयंकर परी का सामना कैसे कर सकता है? बाल परी, मैं आपकी ममता की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन अब समय आ गया है कि बालवीर ने जिस कारण जन्म लिया है वो कारण को सार्थक करे। बालवीर को हम परियों की शक्ति लेकर पृथ्वी लोक जाना होगा और भयंकर परी के कहर से वहां के बच्चों की रक्षा करनी होगी। बालवीर को ये जंग लड़नी ही होगी और हमें उसे इस जंग के लिए तैयार करना होगा। अब समय आ गया है कि बालवीर ने जिस कारण जन्म लिया है वो कारण को सार्थक करे। कमरे के अंदर बारिश? ये! अरे नहीं नहीं नहीं, रोक दो बालवीर। ओहो, ये क्या कर रहे हो आप? देखो ये क्या कर दिया आपने, और ये पिचकारी कहाँ से मिली आपको? वो माँ नटखट परी ले आई थी लोग से, उन्होंने तो बताया कि लोग इसमें रंग भर के एक दूसरे को भिगाते हैं, ऐसा खेल बहुत मजा आता है माँ। और पता है उसे क्या कहते हैं? होली। माँ आज तक आपने पृथ्वी लोक के बारे में ये सब बताया नहीं। माँ कभी कभी मुझे बहुत मन करता है कि मैं पृथ्वी लोक पे जाऊँ, वहाँ के लोग देखूँ, पृथ्वी लोक के बारे में जो जो सुना है वो सब देखूँ। होली होली खेलूंगा वहाँ के बच्चों के साथ। और नटखट परी ने बताया कि वहाँ पे बर्फ के गोले पे रंग डाल के खाते हैं और शक्कर के दानों से तौर निकाल के इतना बड़ा गुच्छा बनाते हैं, और उसे क्या कहते हैं? हाँ, पुट्टी के बाल। माँ मुझे वो खाना है और खूब खेलना है पृथ्वी लोक के बच्चों के साथ, लेकिन आप लोग तो मुझे सुरक्षा कवच से बाहर ही नहीं निकलने देते। क्या हुआ माँ? Thank you.
इतने सालों से ढूंढ रही थी तुझे, तेरी भनक तक नहीं पड़ने दी इन परियों ने। माँ बचाओ! अब देखती हूँ कौन बचाता है तुझे। कहाँ तक भागेगा तू? इतनी मुश्किल से हाथ आया है। तुझे बचाने नहीं आएगी बालवीर, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। चाहे कितना भी कड़वा सत्य क्यों ना हो, पर अब मुझे बालवीर को पृथ्वी लोक में जाने के लिए तैयार करना ही होगा। शायद यही उसकी नियति है। आंख बंद कर लो, सो जाओ। अरे सो जाओ ना। माँ आप परेशान क्यों लग रही है? कुछ खास नहीं बेटा, आप एक बुरा सपना देखा था ना, इसलिए परेशान हो गई थी। बुरा सपना? वो कैसा होता है? जिसने आज तक एक बुरा सपना भी नहीं देखा, वो बुराई से कैसे लड़ेगा? अब छोड़ो बुरे सपने की बात, कुछ अच्छी बात करते हैं। आपको पृथ्वी लोक पे जाना है ना? हाँ, वहाँ जाके बच्चों के साथ खेलना है। वो कंधों पे किताबें उठा के पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। मुझे वहाँ भी जाना है और उनके साथ गेंद और बल्ले वाला खेल भी खेलना है। अपनी इच्छाएं ही बताते रहोगे या पूरी भी करोगे? मतलब ये कि रानी परी चाहती है कि आप पृथ्वी लोक पर जाए। सच? धन्यवाद रानी परी, धन्यवाद। अब मैं पृथ्वी लोक पे जाऊंगा। सुनो, बैठो। अभी पूरी बात नहीं बताई हमने। आप पृथ्वी लोक पर अकेले नहीं जाएंगे। तो चलो सब चलते हैं। अब नहीं नहीं, मेरा मतलब है वैसे तो आप अकेले जाएंगे, पर सारी परियों की शक्तियों के साथ। मतलब सारी परियों की शक्तियाँ? तो मैं सारी परियों की तरह उड़ पाऊंगा? और मैं गाल परी की तरह गाल भी फुला पाऊंगा? और वो आर पार परी की तरह मैं किसी भी चीज से आर पार हो पाऊंगा? हाँ, मुझे हमेशा से ऐसी शक्तियां पाने की इच्छा थी और अब मेरी इच्छा पूरी होगी। होगा आज शक्ति समारोह, मिलेगी कौन कौन सी शक्तियाँ बालवीर को। बालवीर, क्या तुम हमारी शक्तियाँ लोगे? हाँ हाँ, अगर मुझे सारी परियों की शक्ति मिल जाए तो मैं वो भी ले लूंगा। करो मत जल्दबाजी ऐसी बालवीर, लो शक्तियाँ वही आए काम जो। आप कहना क्या चाहते हैं डूबा डूबा दो? क्या हमारी शक्तियाँ किसी के काम में नहीं आ सकती? है शक्तियाँ कौन सी आप लोगों के पास?
है रहती डरी डरी परी आप डरी डरी ये तो कमजोरी हमारी कमजोरी ही हमारी शक्ति है अगर हम जल्दी डर जाते हैं तो हम दूसरों को भी डरा सकते हैं वाह ये तो कमाल की शक्ति है नवरंग परी आपकी शक्तियों के बारे में सिर्फ सुना है विस्तार से बताइए ना कि आपके पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं मैं अपनी शक्ति से किसी भी इंसान या वस्तु को नवरंग में बदल सकती हूँ अच्छा करके दिखाइए ना हे रानी परी शक्ति देखरी प्यारा अरे वाह मजा आ गया वाह नटखट परी जादू तेरा क्या शक्तियाँ तो बहुत है मेरे पास लेकिन रानी परी के आदेश के अनुसार पिछले एक साल से मैं अपनी किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाई न जाने अब कब कर पाऊंगी लेकिन मैं तो यही चाहूंगी कि तुम सब अपनी अपनी शक्तियाँ बालवीर को दो ताकि वो हर कठिन परिस्थिति में सफल हो सब क्या चल रहा है यहाँ पे खुश रहो खुश रहो परी क्या खुश रहे यहाँ पर जो तमाशा चल रहा है उसमें कोई कैसे खुश रह सकता है आप ऐसा क्यों कह रही है ताराज परी तुम्हें शक्तियाँ देने की बात हो रही है और तुम इतने उत्साहित हो उत्साहित होने की तो बात है अरे तुम मनुष्य हो एक बालक परी बनने की कोशिश मत करो दे रही है कोई आवाज सुनाई मेरे नाक को लेकिन नहीं सुनाई दे रही है ठीक से पता नहीं रानी परी को उस दिन तुम्हें ऐसा क्या दिख गया जो उन्होंने तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति दी अरे ऐसा क्यों कह रही हो तुम दोनों को भी तो अभी तक रखा है हंसो मत भयंकर परी से लड़ने भेजेंगे वो भी इसे इसने कभी भयंकर परी को देखा भी है नहीं देखा लेकिन शक्तियां मिली की तब तो देखूंगा ना जब देखोगे ना तब तुम्हारी सारी शक्तियां एक ही पल में नाकाम हो जाएंगी अरे वो तो इतनी शक्तिशाली है इतनी शक्तिशाली कि पृथ्वी लोक क्या पूरे परी लोक पे राज करेंगी इतनी शक्तिशाली है वो और नहीं तो क्या सोचो जिनका नाम ही भयंकर परी है वो कितनी भयंकर होगी अरे तुम उनके किस्से सुनोगे ना तो तुम्हारा नाम बालवीर से डरा डरा वीर हो जाएगा बिल्कुल इस डरी डरी परी की तरह खुश रहो बालवीर हो रहा है शुरू शक्ति समारोह चलो जल्दी चलो है रानी परी ने बुलाया बालवीर बुलाया है बाल परी ने तैयार करने समारोह के लिए चलो जल्दी चलो हाँ ठीक है चलो हम भी चलो क्या हुआ क्यों भयानक लोग की शांति भंग कर रहे है खबर ऐसी ही सुना है मैंने मेरी नाक से हो जाएगी भंग शांति मन की आपकी मुझे लगी रात भयानक लोग के बादल छट रहे हैं उजाला बढ़ता ही जा रहा है जरूर परी लोक में कुछ हो रहा है क्या सुना तुमने नहीं सुनाई दिया साफ साफ क्योंकि है मेरी छोटी नाक जिससे मैं सुनता हूं और है बहुत दूर परी लोक यहां से आज के बाद फिर कभी मत कहना कि परी लोक दूर है मैं भले ही वहां से आ गई हूं
लेकिन परीलोक, परीलोक आज भी मेरी मुट्ठी में, और मैंने वहां पर राज करने की पूरी तैयारी कर ली। है बोला पहले भी 10,000 बार आपने, यही फिर भी बैठती है यही की यही। चुप रहो, सही सही कहो, बात क्या है? हे बन रहे पकवान, हे हो रही है तैयारियां, हे आ रही है खुशबुएं, शायद होने वाला है कोई जश्न वहां पर। मेरे होते हुए परीलोक में जश्न, ये कैसे हो सकता है? मुझे वहां जाकर देखना होगा कि क्या खिचड़ी पकड़ेंगे। जाएंगे दूर इतने खाने के लिए खिचड़ी? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.